बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड्स, आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानों को बहुत से खूबसूरत और आलीशान घर बनाते हुए देखा होगा, मगर इसके बरक्स क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसानों के अलावा भी अपने लिए खूबसूरत और आलीशान घर बनाने का शौक़ रखता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम उन्हीं सुंदर चिड़ियों और चंद दूसरे खूबसूरत परिंदों का जिक्र करेंगे जो कि अपने लिए छोटे छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत घर बनाते हैं, और कुछ परिंदों को अपने लिए खूबसूरत घर बनाते बनाते काफ़ी अरसा लग जाता है, और फीमेल चिड़ियाँ अपने घोंसलों को बिल्कुल इंसानों की तरह सजाती हैं और अपने घरों यानी घोंसलों को ठंडा रखने की भी कोशिश करती हैं, और ये सुंदर चिड़ियाँ अपनी इस कोशिश में कामयाब नज़र आती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं दुनिया के टॉप 7 खूबसूरत घोंसलों की तरफ, जिनको देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किसी परिंदे ने बनाए हैं या फिर किसी इंसान की इजाद हैं। नंबर 7, मोंटेजुमा और ओपनडेला नेस्ट। दोस्तों, ये बर्ड्स अमेरिका में पाए जाते हैं। इन बर्ड के घोंसले अमेरिका में दरख्तों पर लटकते हुए नज़र आते हैं, और इनके घोंसलों की लंबाई 60 से 190 सेंटीमीटर तक होती है, और इनके घोंसले ज़मीन से तकरीबन 30 से 40 फीट की बुलंदी पर होते हैं, और ये परिंदे अपने घोंसलों को सूखी लकड़ियों और घास से बनाते हैं। इनको ढूंढने में इनको काफ़ी मेहनत और वक्त लगता है, और ये परिंदे एक ही पेड़ पर 100 से ज़्यादा घोंसले बना देते हैं जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं। नंबर 6, मेलिफोवल नेस्ट। दोस्तों, इन परिंदों के घोंसले बनाने का अंदाज़ दूसरे परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले दरख्तों पर ही बनाते हैं, मगर ये बर्ड्स अपने घोंसले पेड़ों की बजाय ज़मीन पर बनाते हैं, और इन परिंदों का तर्ज ज़िंदगी भी दूसरे परिंदों से मुख्तलिफ होता है। ये बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये अपने घोंसले अपने पंजों की मदद से ज़मीन में बनाते हैं, और इन घोंसलों को बनाने में ज़्यादातर काम मादा चिड़िया सर अंजाम देती है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि मादा इन घोंसलों में अंडे देने के बाद उनको अच्छी तरह से ढांप देती है ताकि कोई शिकारी इन अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों, इन परिंदों की इस जहानत से इनको दाद देना तो बनती है। नंबर 5, बावर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, अगर आप बावर बर्ड को एक आर्टिस्ट का लकब दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बावर बर्ड को इंसानों की तरह अपने घर को सजाने का बहुत शौक़ होता है, और ये अपने घर की तख्लीककारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये परिंदे भी अपना घोंसला दरख्तों की टहनियों के बजाय ज़मीन पर ही बनाते हैं, और ये घोंसले बहुत ही जहानत और मेहनत से बनाए जाते हैं, जिनको देखने के बाद आप कुदरत की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे जिस ज़ात ने इनको इतनी समझदारी से नवाजा है। और बावर बर्ड अपने घोंसले को तैयार होने के बाद इसको सजाने में लग जाते हैं। सजावट में ये फूलों के साथ साथ खुश्क लकड़ियों को भी इस्तेमाल करते हैं। इन परिंदों को अपने घोंसले सजाने का इतना शौक़ होता है कि जो भी चीज़ इनको खूबसूरत नज़र आती है, ये उसको लाकर अपने घोंसले के इर्द गिर्द रख देते हैं। तो दोस्तों, नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नंबर 4, बाल्ड ईगल नेस्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाल्ड ईगल शिकार करने की काफ़ी महारत रखता है। छोटे मोटे परिंदे, मछलियां और यहां तक के सांप भी बाल्ड ईगल के सामने बेबस नज़र आते हैं। दोस्तों, बाल्ड ईगल जिस तरह खुद ताकतवर और बड़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह इसका घोंसला भी बहुत बड़ा होता है। अब आपने हैरान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको बाल्ड ईगल के घोंसले का साइज़ बताता हूँ। बाल्ड ईगल का घोंसला 12 फिट लंबा और 6 से 7 फिट चौड़ा होता है, और ये अपना घोंसला इंतहाई सुनसान जंगल में बहुत ज़्यादा ऊंचाई रखने वाले दरख्तों पर बनाते हैं। बाल्ड ईगल अपना घोंसला अंडे देने की मुद्दत से तकरीबन 4 माह कबल बनाने लग जाते हैं, और इस ईगल का सबसे बड़ा घोंसला फ्लोरिडा में तलाश किया गया है, जिसका वज़न तकरीबन 3000 किलोग्राम और लंबाई 20 फिट पाई गई है। नंबर 3, सोशियबल वीवर बर्ड नेस्ट।
दोस्तों, इन परिंदों के घोंसले बाकी परिंदों के घोंसले से ज़रा हट के हैं। सोशियबल वीवर बर्ड के घोंसले अफ्रीका में पाए जाते हैं और इन घोंसलों की खास बात यह है कि ये दुनिया के लार्जेस्ट घोंसलों में शुमार होते हैं। और दोस्तों, इन परिंदों के घर बनाने का अंदाज भी अंदाज से आपको भाईचारा और इत्तफाक का दर्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये परिंदे अपने घोंसले एक ग्रुप की सूरत में मिलकर बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करने में सख्त मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। और इनका एक घोंसला इतना बड़ा होता है कि इनके एक घोंसले में एक वक्त में 300 से 500 सोशियबल वीवर बर्ड बआसानी रह सकते हैं। नंबर 2, वीवर बर्ड नेस्ट। इन परिंदों का शुमार सबसे पुराने परिंदों में होता है और इनका घोंसला इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी हद तक मजबूत भी होता है। ये परिंदे अपना घोंसला लंबे लंबे दरख्तों पर बनाते हैं और इन घोंसलों को बनाने में ज़्यादा काम फीमेल सर अंजाम देती है और इन घोंसलों को तैयार करने में 3 से 4 माह का वक्त दरकार होता है। जितना ज़्यादा इन घोंसलों पर वक्त लगता है, ये इतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। आंधी या तूफान इन घोंसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नंबर 1, एल्फ ओवल नेस्ट। दोस्तों, ओवल बर्ड से तो आप सभी वाकिफ होंगे, मगर एल्फ ओवल बर्ड बाकी ओवल से कदरे मुख्तलिफ घोंसले बनाते हैं। एल्फ ओवल के घोंसले बाकी परिंदों के घोंसलों से बिल्कुल बरअक्स होते हैं, क्योंकि एल्फ ओवल अपने घोंसलों में खुश्क घास, सूखी लकड़ियां या पत्तों वगैरह के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये अपना घोंसला कांटेदार पौधों में सुराख करके बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत अजीबोगरीब नज़र आता है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।